शिवपुरी शहर में यातायात सुरक्षा सप्ताह का समापन हुआ। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों के साथ ही यातायात पुलिस टीम, प्रशासन के अधिकारी और पत्रकार उपस्थित रहे। इस दौरान बच्चों को चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लेने पर सर्टिफिकेट भी दिए गए, उनका सम्मान किया गया। कवरेजकर्ता पत्रकारों का भी सम्मान किया गया। कार्यक्रम में शिवपुरी SP राजेश सिंगड़कर, एडिशनल SP गजेंद्र सिंह, SDOP सुरेश चंद्र दोहरे, कोतवाली प्रभारी बादाम सिंह यादव, फिजिकल प्रभारी अनिता मिश्रा, कंट्रोल रूम प्रभारी ब्रजेंद्र राजपूत, थाना प्रभारी HL प्रजापति, अभिभाग प्रभारी श्याम सिंह जादौन, यातायात प्रभारी रणवीर सिंह यादव, सूबेदार नीतू अवस्थी और गायत्री इटूरिया उपस्थित रहे। देखिए, यातायात सप्ताह हम लोगों ने 4 तारीख से 10 तारीख तक मनाया और ये शासन की तरफ से निर्देश थे कि इसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चों को, जनप्रतिनिधियों को शामिल किया जाए। इस बार पहली बार हमारे साथ में सभी जनप्रतिनिधिगणों ने हमको बहुत सहयोग किया, क्योंकि आपके द्वारा जो हम लोगों ने रैलियां निकाली उसमें जनता में अच्छा संदेश गया है। बच्चों ने, स्कूल के संचालकों ने भी हमें काफी सहयोग किया और एक जो हम संदेश जनता को देना चाह रहे थे, हेलमेट की अनिवार्यता और नियमों का पालन करना, और इसका जो है संदेश हम लोगों ने बहुत अच्छे से दिया है। स्कूलों में भी हम लोगों ने प्रतियोगिता रखी थी, पेंटिंग्स भी काफी बच्चों ने अच्छी पेंटिंग्स बनाई, उससे उनके मन के, उनके दिमाग में ट्रैफिक के बारे में क्या सोचते हैं एक अच्छा संदेश समाज में गया है। और आने वाले समय में जिस तरह से रोडें चौड़ीकरण होना है उसमें हम लोगों ने एक प्लान तैयार किया है कि अभी सिर्फ गुरुद्वारा चौराहे पे हमारे सिग्नल्स हैं, आगे हम माधव चौक पे, ग्वालियर नाका और गुना नाका पे भी हम लोग जो है सिग्नल्स का इस्तेमाल करेंगे। जेब्रा लाइन भी हम लोग डालेंगे जिससे पैदल चलने वाले तरीके से अपने रेड लाइन में निकल जाएं, और इस तरह से हम लोग ट्रैफिक का अवेयरनेस भी देते रहेंगे, ट्रैफिक का पालन भी करवाएंगे और स्वच्छ और सुंदर शिवपुरी के इसमें पुलिस का भी हम के द्वारा